दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं सबसे सस्ता लोन लो इंटरेस्ट पे कौन सा बैंक लोन आपको दे सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे HDFC बैंक, RBL बैंक, कोटक, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, BOB बैंक और PNB बैंक, जितने सारे बैंक हैं सस्ता लोन किसका पड़ता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं इनके लोन काफी सस्ते होते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे SBI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और PNB बैंक, इन बैंकों में आपको सबसे सस्ते लोन देखने को मिलते हैं और काफी लोग लोन इनसे लिए भी हैं और ले भी रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट बैंक की बात करो तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, RBL बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जो प्राइवेट हैं। तो क्या इनके लोन गवर्नमेंट बैंक से हाई इंटरेस्ट पड़ते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बैंकें होती हैं डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री। देखो बैंक हमेशा आपको बताएगा कि हम आपको 11%, 12%, 10%, 13%, 14% इतने में आपको लोन दे देंगे। जब आपकी प्रोफाइल उनके सिस्टम में पड़ेगा तो प्रोफाइल वहां पे तुरंत ही आपके सिस्टम आपके प्रोफाइल भी यहाँ पे उसको पूरा रिव्यू करके उसको फैच करके वहां पे आपको बता देगा, इतना आपको लोन मिलेगा और इतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे हर पर्सन को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन मिल सकता है। मतलब कि अगर किसी एक को 12% इंटरेस्ट पे लोन मिल गया तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को 12% पे ही सेम बैंक में सेम टाइम में लोन मिल जाए। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री। आप प्रोफाइल हिस्ट्री में होता क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर, आपका लेन देन, आपके पर कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, किस टाइप का आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जो सस्ते लोन की बात होती है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, मेन आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री ज्यादा मैटर करती है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है जैसे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपका अकाउंट अगर SBI में है तो आपको लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, बट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, ओनली SBI अकाउंट होल्डर को, जिनका सैलरी अकाउंट पैसा जिसमें आता हो तो ये लोग थोड़ा से लो इंटरेस्ट पे दे देते हैं। बट कभी अपने दिमाग में ये बातें मत रखना कि अगर एक पर्सन को या हमारे किसी एक मित्र को PNB बैंक ने 14% पे लोन दे दिया तो हमें भी 14% पे ही देगा। डिपेंड आपकी प्रोफाइल करती है। तो यहां पे दोस्तों जो प्राइवेट बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकों में होता क्या है कि आपका 1-2% जो लोन इंटरेस्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बट प्राइवेट बैंकें आपका जो लोन अमाउंट है वो काफी हद तक एक प्रकार से हाई भी देते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों में ऐसा आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर डिफरेंस मिलता है तो आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री, मतलब कि अगर आप किसी बैंक में अप्लाई करने गए, अब आपके पास ITR सही तरीके का नहीं है, पे स्लिप सही तरीके का नहीं है, आपका कोई सिविल स्कोर भी नहीं है, तो वहां पे आपकी जो प्रोफाइल है अगर बैंक उसको सिस्टम में अप्रूवल करना भी चाहेगा तो वहां पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा दिखेगा। मतलब कि 16%, 18%, 22%, 24% ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो जो प्रोफाइल हिस्ट्री है ये आपका मेन रोल करता है, ये बातें याद रखना, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, मेन आपकी हिस्ट्री होती है। तो प्लीज अपने हिस्ट्री कैसे सुधारें, किसी से लोन ले लिया, ऑन टाइम पेमेंट करो, कोई गलती मत करो, आपकी हिस्ट्री एकदम बेटर बनी रहेगी और आपको सस्ता लोन मिल जाएगा। तो आपने जान लिया इस वीडियो में सब कुछ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेटवर्क साहब, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।